अस्सलाम वालेकुम टीचर। मैं वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? मरियम, बस ठीक हूँ, थैंक यू। जी। रसल इज एंटर्ड, नूरे ईमान इज एंटर्ड, जिशान जी। स्टूडेंट्स, कल वाला लेक्चर आपको क्लियर हो गया था? यस टीचर। एनी प्रॉब्लम इन प्रीवियस लेक्चर्स? स्टूडेंट्स, वी हैव डन टू किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम। नो टीचर। नूर, यू नो टीचर। नूर बेटा, होमवर्क नहीं आप करते सेंड बिल्कुल भी। You did not submit your homework. Teacher, sorry, वो teacher actually ना मैं बेटा classes तो start हो गई हैं but you are not streamlining with the classes. आप बिल्कुल भी cope up नहीं कर पा रहे। Why? क्या मसरूफियात हैं आपकी घर में? Teacher, वो actually ना मैं यहाँ से लेके फिर वो उसका भी करना होता है एकेडमी का, फिर एकेडमी चली गई तो फिर 9 o'clock रात को आती हूँ। ये तो अब डबल डबल तो काम चलेगा ना। वैसे तो स्टार्टिंग में इतनी जरूरत नहीं होती है एकेडमी की। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्कूल, सारा कुछ आप स्कूल से अगर अच्छा सा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देन यू कैन डू योर होमवर्क एंड उसको रिवाइज करें, लर्न करें। तो इतना अभी आपको, और इफ यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन एकेडमी देन आपको फिर डबल डबल मैनेज करना चाहिए। ऐसे तो नहीं ना कि एक तरफ से किया दूसरी तरफ से आप बिल्कुल। टीचर ने इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करके दे दूंगी कुछ बस ये। वैसे कौन जाते हैं एकेडमी? संडे तक आपको दे। मरियम, आप जाते हो इसके अलावा ट्यूशन या एकेडमी भी? टीचर ट्यूशन जाते हैं, एकेडमी नहीं जाती। एंड रसल, यू यू गो एनीवेयर एल्स इन एकेडमी और ट्यूशन आफ्टर स्कूल? नो टीचर। एंड जिशान, जिशान तो जाते हो ट्यूशन या एकेडमी? ओके टीचर। तो बेटा नूर देखिए ये सब भी तो मैनेज कर रहे हैं ना, आप भी मैनेज कर। टीचर एक्चुअली वो भी काम दे देते हैं ना। यही मैं भी कह रही हूँ कि डबल काम अगर मिल रहा है देन हैव आप ग्रेड 9 8 ओके टीचर आई ट्राई टू मैनेज इट। जी ओके टीचर, आई विल सेंड यू टिल संडे इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, the five kingdom system of classification. Where are the rest of the students? First class mein bas aap log hi the. What about Zara, Anika? Main sabhi sare hain. Then why they are late in the class? Itni baat kar rahi thi ye log past studies ke group mein. Zara is now entered in the class. Okay just students, here's the five kingdom system classification. Or it's a the main system of classification which is accepted by all the biologists of the world. ठीक है? And when it is accepted और फिर इसको हर तरफ publish किया गया और different जो journals हैं और magazines हैं और different books हैं उसमें इसकी सारी जो research है वो add की गई. So it is the most applicable system of classification in the world. Who is in the class now? I have to mark attendance. Haika is there, Mariam, Zara, Nure Iman, yes. Rasab, Zishan. Yes, teacher. Anika and Abdullah are absent today. Anika and Abdullah. Teacher, Anika bhi join karegi abhi thodi der tak class.
टाइम पे स्टार्ट कर देना चाहिए ना, ताकि मैं लेक्चर में मैं थोड़ा सा लेट से स्टार्ट करती हूँ, ऑल ऑफ यू एंटर्ड इन द क्लास, बट ये कि इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता। चलें जी, अब इसमें ऐसा होगा स्टूडेंट्स, देर आर टोटल फाइव ग्रुप्स इन फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव से ही पता चल रहा है आपको कि टोटल ऑल द एनिमल्स एंड द प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड आर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स। ठीक है, किंगडम इज द, कौन बताएगा, इट इज द कौन से टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कौन सी पोजीशन पर है किंगडम? एट द टॉप और एट द बॉटम इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, what is the position of kingdom? Did you first? First. First. Very good. Very good. It means it is at the top of the ranking. सबसे बड़ा जो taxon है that is kingdom. ठीक है? तो total five kingdoms में divide किया गया है. Starting from very simple, मतलब जो सबसे पहला आप जो kingdom पढ़ोगे ना, kingdom monera, that is the simple one. ठीक है, और फ्रॉम द सिंपल किंगडम वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स वन। एज यू कैन सी द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, यू कैन ऑल्सो रिपीट द नेम्स विद मी। ठीक है, किंगडम मोनेरा, मोनेरा देन किंगडम, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमल। एंड दिस इज द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन, और इसमें आप देख सकते हो किंगडम मोनेरा इज द स्मॉलेस्ट, यू कैन नॉट से स्मॉलेस्ट, इज द सिंपलेस्ट वन, द सिंपलेस्ट वन किंगडम इज किंगडम मोनेरा। आफ्टर मोनेरा इट इज अ किंगडम प्रोटिस्टा विच इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द मोनेरा। मोनेरा से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। किस सेंस में? जो कॉम्प्लेक्स मींस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स मींस इन विद रेफरेंस टू इट्स फंक्शंस। ये नहीं कि इसमें नंबर ज्यादा हो जाएगा, नंबर वाइज नहीं कॉम्प्लेक्स होगा, बल्कि सिस्टम वाइज इसका सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, इम्प्रूव्ड किस्म का सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर। अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। These are the simplest organisms. Kingdom Monera में simplest organisms आएंगे. It means they are unicellular and they are prokaryotic. ठीक है, the simplest, उनकी organization भी simple होगी, उनका function भी simple होगा. Protista में थोड़ी सी complexity आ जाएगी कि they become multicellular और they become eukaryotic cells. Then fungi थोड़े से और ज़्यादा advanced स्टेज आ जाएगी ऑर्गेनिजम्स की, इसमें साइज भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब कि इनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका साइज बढ़ेगा, उनके जो सिस्टम है वो भी थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। देन प्लांटी आएगा, प्लांटी तो आपको पता ही है कि प्लांट्स आर वेरी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, और छोटे से छोटा प्लांट से लेकर बड़े बड़े ट्रीज तक आप फिर प्लांट्स में सारे तमाम वो ट्रीज आ जाएंगे विच हैज एडवांस सिस्टम। ठीक है, सारे वास्कुलर बंडल्स हैं इनके अंदर, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और सारे जो ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसमें आ जाएंगे। देन एनिमेलिया, तो अब आपको पता है कि एनिमल्स में सी क्रिएचर्स भी आ जाएंगे, क्रॉलिंग एनिमल्स भी आएंगे, हॉपिंग भी आएंगे, एंड बर्ड्स भी आ जाएंगे, इसके अलावा डेजर्ट प्लांट्स भी आएंगे, इवन ह्यूमन बींग्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ शो नहीं किए, but human beings are also in this group, in this kingdom. और आपको पता है कि how complex we are, human beings and the other animals, bigger animals are the complex one organisms in the world. ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। Who want to read? Teacher, may I? Okay. May I? रसब पूछ रही है और नूरे ईमान। टीचर मैंने भी पूछा है। टीचर मैंने रेज भी किए हैं। जो नहीं पूछ रहा ना उसकी टर्न आएगी। जी। टीचर मैंने जिशान नहीं पूछ रहे। जिशान वेर आर यू?
यू आर लकी वन. मैंने भी नहीं पूछा. अच्छा हाइका ने भी नहीं पूछा. ओके फर्स्ट विल फर्स्ट मोनरा विल रीड जिशान एंड प्रोटिस्टा विल रीड रेड बाय विल रीड बाय हाइका जी. और टीचर फिर ये किंगडम फंजाई मैं पढ़ लूं. ओके टीचर और फिर किंगडम प्लांटी मैं पढ़ूं. ठीक हो गया. लास्ट रह गया वो कौन पढ़ेगा. जारा और रसब में से रसब मैं रसब या जारा. ओके चले चल चले जी जी शान prokaryotic organism they are made of prokaryotic cells monads are unicellular although some types from chains clusters or colonies of cells prokaryotic cells are radically different from eukaryotic cells most are heterotrophic but some perform photosynthesis because they have chlorophyll in their cytoplasm. With this kingdom there are two different kinds of organism bacteria and cyanobacteria. Okay students there are different terminologies and I hope you can understand all of these. Jaise ki yahan par prokaryotic organisms aa gaya. Theek hai prokaryotic organisms ab aapko bahut dafa main bata chuki hu what is the difference in prokaryote and eukaryote. So who will tell me what is prokaryote. Okay prokaryote means an organism that is made with proper cells and its cells contain proper organelles. Improper cell. It's not complete improper cell. Improper cell organelles and do not have a proper cell. And in eukaryote, there it is a proper and complete organism with proper cell organelles. Okay. So kingdom Monera, I have already told you that kingdom Monera is very simple form of kingdom. Okay. So in it, the organisms will be prokaryotic. Their cells are not complete. Both initial stage will be. They are made up of prokaryotic cells. Monerans are monera se hai na to jitne bhi iske members honge they are called as monerans. Monerans are unicellular. Haika what is the meaning of unicellular? Uni means teacher mai tell just let her answer. Haika Ashur uni means yes ma'am. What is the meaning of unicellular? Uni means one, cellular means cell. Unicellular means single cell. Monerals are single-celled organisms. Clear? Okay. Single. Uni means okay. One or single. Although some type form chains, clusters, and colonies. अभी भी हम पीछे first chapter में देख चुके हैं कि despite of this unicellularity. अगर वो ग्रुप बना के रह रहे हैं इनकी चेन्स की फॉर्म में रह रहे हैं क्लस्टर यानी कि ग्रुप बन गया उनका और कॉलोनीज बना के रह रहे हैं बेशक हैं सिंगल सेल्ड लेकिन इकट्ठे होकर अगर रह रहे हैं तो वो इस तरह से रह सकते हैं. जी जी शाम. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेरी गुड. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज ओनली वन सेल ऑफ बॉडी. उनकी बॉडी ही सिंगल सेल पे बेस करती है और वो कंप्लीट अपना काम उसी से चला रहे होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज. उसमें ऑब्वियसली सिस्टम बढ़ जाएगा तो टिश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे. अच्छा जी प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स. ये भी मरियम ने बता दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो कहने के ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं आपस में. मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक. जी जारा कैन यू डिस्क्राइब हेटरोट्रॉफिक. जी जारा कैन यू एक्सप्लेन दिस टर्म हेटरोट्रॉफिक. दैट डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर्स फॉर फूड. यस दे कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड दे डिपेंड ऑन other autotroph organisms for their food. ठीक हो गया.
तो जो मोनरा है मोस्ट ऑफ देम आर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, बट उसमें से कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जिसके पास होगा, क्लोरोफिल आपको पता है एक ऐसा पिगमेंट होता है विच कैन कैप्चर लाइट एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन मेक देयर फूड. विद इन दिस किंगडम देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. उसकी एग्जाम्पल क्या आ गई, यहाँ पर एग्जाम्पल्स को आप हाईलाइट कीजिएगा. बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया. एक तो बैक्टीरिया हो गए ना जो सिंपल जर्म्स हैं बैक्टीरिया, इनकी आगे से एक टाइप होती है साइनो बैक्टीरिया. साइनो इज अ कलर. कौन सा कलर होता है सयान जिसे बोलते हैं आप, सयान कौन सा कलर होता है स्टूडेंट्स? यस ब्लू ग्रीन, रेडिश कलर. इट्स अ मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन. ठीक है, सयान इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लूइश एंड ग्रीन. तो ब्लू ग्रीन कलर के जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ब्लू ग्रीन कलर पिगमेंट होता है. तो इनकी दो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ नजर आ रहा है. जी स्टूडेंट्स, लेट अस रिपीट ऑल दीज फीचर्स ऑफ किंगडम मोनरा. मैं लेती हूँ रसब को. रसब बेटा काइंडली रिपीट दीज फीचर्स. मोनरा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और इम्पोर्टेंट इसके अलावा क्या है उनके अंदर? दे आर प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक. यस दे आर प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इट मीन्स दे आर प्रोक्रियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट दे कैन लिव एज फॉर्मिंग चेन्स क्लस्टर्स. इनके ग्रुप बना के रह सकते हैं जैसे कॉलोनीज में ग्रुप बने हुए होते हैं. ठीक है, होते यूनिसेलुलर ही हैं लेकिन इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आपने डिफरेंट टाइप्स आई थिंक पढ़ी होंगी अपनी पिछली क्लासेस में. बैक्टीरिया आपको पता है लॉन्ग चेन्स में भी रहते हैं, सर्कल्स में भी रहते हैं. ठीक है, और इसके अलावा मोस्टली आर वेरी गुड हेटरोट्रॉफिक बट इन सम केसेस दे कुड बी ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. जी ठीक हो गया गर्ल्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन, किंगडम प्रोटिस्टा. ओके हाइका बेटा यू स्टार्ट रीडिंग किंगडम प्रोटिस्टा. यस किंगडम प्रोटिस्टा, इट इंक्लूड्स यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर. जी जी मैम Simple multicellular. They resemble plant cells with cell walls and chlorophyll in chloroplast. Simple multicellular means that they do not have multicellular organs and do not form embryos during their life cycle. Protozoans resemble animals whose cells lack chlorophyll and cell walls. Some protists are fungi-like. Okay. Kingdom fungi. Just stop, Haika. First, we will describe this protist. Yes, ma'am. I have stopped. Okay. Anika is there in the class now? Yes, I will read it. अनिका आ चुकी है. मुझे एक्चुअली अटेंडेंस मार्क करनी होती है ना, सो आई एम आस्किंग. यस ओके अनिका इज देयर, ओनली अब्दुल्ला इज एब्सेंट टुडे. ओके जी किंगडम प्रोटिस्टा. इस पे अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मोनरा इज द मोस्ट सिंपल वन किंगडम. अब सिंपल से हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, थोड़ी सी एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे. उसमें क्या एडवांस आ गया कि अब इस पे प्रोक्रियोटिक सेल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे. कौन से सेल्स आ जाएंगे? यूकेरियोटिक. ठीक है, और वो
यूकैरियोटिक आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक जो सिंपल वन थे वो यहाँ से बिल्कुल निकल चुके हैं, प्रोकैरियोटिक का यहाँ कोई काम नहीं। यूकैरियोटिक में वैरायटी है, दे कुड बी यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर। अभी मल्टीसेलुलर जी, सिंपल मल्टीसेलुलर है स्टूडेंट, सिंपल मल्टीसेलुलर, नॉट कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स हैं यूनिसेलुलर या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर, प्लांट सेल विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। इसकी यस, अब इसकी थ्री कैटेगरीज आ जाएंगी आपके पास। द फर्स्ट वन इज एल्जी, सेकंड वन इज प्रोटोजोन्स एंड द थर्ड वन इज फंजाई लाइक, ठीक है। प्रोटिस्टा के तीन आगे से टाइप्स हैं, जो एल्जी हैं वो तो प्लांट लाइक होंगे, ठीक है। एल्जी में तमाम फीचर्स वो होंगे जो कि प्लांट्स से रिजेंबल करते हैं, इट मींस दे कैन मेक देयर फूड, दे हैव क्लोरोफिल सो दे कैन मेक देयर फूड, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल प्लांट्स, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, यस दे आर ऑटोट्रॉफ्स, एल्जी आर ऑटोट्रॉफ्स, बट दे आर वेरी सिंपल ऑटोट्रॉफ्स, हैं तो प्लांट लाइक लेकिन बहुत ही सिंपल। देखो ना, यूनिसेलुलर है, ठीक है, और कॉलोनियल या सिंपल मल्टीसेलुलर, बहुत ही सिंपल इनकी लाइफ होगी। सेल्स थोड़े थोड़े से इनके पास सेल्स हैं, या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर अगर मल्टीसेलुलर हैं भी तो थोड़े से, और इसके अलावा इनके पास किसी भी तरह के सेक्स सेल्स भी नहीं होंगे, दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो भी नहीं बना सकते बचपन में। अब एम्ब्रियो के बारे में सुन लें, एम्ब्रियो इज द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारा भी जब स्टार्ट होता है ना इंसानों का या बहुत से एनिमल्स का, तो उनका जब लाइफ स्टार्ट होती है ना तो इट स्टार्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, सो एम्ब्रियो इज द स्टार्टिंग स्टेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब चूंकि ये वाले एल्जी जो हैं दे आर वेरी सिंपल, सो दे कैन नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स, सो दे डू नॉट स्टार्ट विद द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से इनका स्टार्ट नहीं होता। ये बहुत ही सिंपल, एक सेल दो में डिवाइड हो गया, दो से चार में डिवाइड हो गया, चार से आठ में, मतलब सेल डिवीजन के थ्रू दे ग्रो बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, नॉट बाय द एम्ब्रियो, ठीक है। सो दे आर वेरी, आप कह सकते हो एल्जी आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो सेकेंड टाइप है इट रिजेंबल्स विद द एनिमल्स, प्रोटोजोन्स रिजेंबल विद द एनिमल्स। अब चूंकि एनिमल्स हैं सो दे आर हेटरोट्रॉफ, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। जब भी एनिमल्स का नाम आए तो समझ लें कि दे आर हेटरोट्रॉफ्स, बिकॉज दे लैक क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल नहीं होगा और ना ही सेल वॉल होगा। ये दोनों फीचर्स जो है ना स्टूडेंट्स याद रखें, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना और सेल वॉल की प्रेजेंस होना, दे आर द बेसिक समझ लें की कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सेल वॉल आर द की फीचर्स ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट को आपने चेक करना है कि वेदर इज अ प्लांट और एनिमल, तो आप ये दो चीजें चेक करोगे, सेल वॉल देखोगे कि है या नहीं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल की, वो है या नहीं, और दूसरा क्लोरोफिल है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है, समझ लें कि दिस इज नॉट अ प्लांट। क्लियर गर्ल्स? जिशान समझ आया आपको? यस जिशान, यस ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आपको चेक करना हो कि जो सामने सेल पड़ा हुआ है वो प्लांट का है या एनिमल का है, तो कौन सी दो चीजें आप उसकी चेक करोगे सबसे पहले? मैम उसकी सेल वॉल चेक करेंगे, उसकी सेल वॉल है या फिर क्लोरोफिल। वेरी गुड, हम चेक करेंगे कि वेदर द सेल हैज क्लोरोफिल एंड सेल हैज सेल वॉल। अगर तो ये दोनों चीजें हैं, इफ बोथ दीस आइटम्स आर प्रेजेंट, अगर नहीं है तो फिर वो एनिमल हो, फिर वो एनिमल सेल हो। ओके जी, थर्ड जो इसकी टाइप आ गई किंगडम प्रोटिस्टा की, दैट इज फंजाई लाइक। सिंपल सम प्रोटिस्ट्स आर फंजाई। फंजाई आपको पता है कौन सी कैटेगरी है? दे आर हेटरोट्रॉफ्स, ना तो ये प्लांट में आते हैं ना ही एनिमल में आते हैं, ठीक है। सो इसको फंजाई को हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका एब्जॉर्प्शन है। सो किंगडम प्रोटिस्टा हैज थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट इज एल्जी, सेकेंड इज प्रोटोजोन्स एंड द थर्ड वन इज फंजाई। एल्जी इज सिमिलर विद द simple plants, protozoans are resemble with the simple animals, and fungi are a separate group, they do not resemble with animal or plant,
ठीक हो गया? यस टीचर। जी सारा, विटालिटी टीचर। मैं पढ़ूं आगे? इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए जारा। टीचर मी। चले नूर आप बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस इन मोनरा एंड प्रोटिस्टा? इनका डिफरेंस क्या है? क्या मैं बार बार बता रही थी, मोनरा सिंपल है या किंगडम प्रोटिस्टा सिंपल है? जी नूर हरी आप। मोनरा। मोनरा डीजे में ऐड है। यस मरियम, मोनरा सिंपल है। डीजे मोनरा सिंपल है और ये मोनेरा डीजे किंगडम मोनेरा में प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म मींस डीजे जिसके पास प्रॉपर सेल ना हो, और डीजे इन द फॉर्म ऑफ, ये इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर होते हैं ज्यादातर। ये होते हैं यूनिसेलुलर है, और कभी कभी ये चेन क्लस्टर या कॉलोनीज की तरह भी होते हैं, कॉलोनियल टाइप भी होते हैं ये। और डीजे ये समटाइम्स यूकैरियोटिक भी होते हैं। और टीचर फोटोसिंथेसिस। जी जी यस टीचर। बेटा मोनरा में यूकैरियोटिक तो नहीं हो रहे टीचर, मैं कह रही हूँ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक यस टीचर। ये ज्यादातर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन लेकिन ये कहीं जगह पर ऑटोट्रॉप्स नहीं टीचर, दे आर हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस। बेटा आवाज आ रही है आपको? फॉर एग्जाम्पल ये बेटा, ओके आई कांट हियर यू मरियम। आई नो मैम। यस हाइका बेटा टीचर नाउ। मरियम बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जो आप का नेट आई थिंक थोड़ा स्लो हो रहा है। रसब बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? रसब सारा जी आ रही है अब, आ रही है मरियम। पहले बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही थी आपकी आवाज। मैंने एयरफोन लगाए थे तो इसीलिए। कौन कौन से प्रोटेस्ट हैं? एलजी प्रोटोजोन्स लाइक जी हाइका। हाइका यस मैम। एलजी डिस्क्राइब एलजी। मैम एलजी आर यूनिसेलुलर। दे आर प्लांट लाइक और एनिमल लाइक? मैम दे आर प्लांट लाइक बिकॉज दे कंटेन सेल वॉल क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। सो दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। यस सिंपल प्लांट लाइक, सिंपल प्लांट्स नॉट कॉम्प्लेक्स वन। यस मैम। जी अनिका आर यू देयर? सिंपल एनिमल्स हु हैज क्लोरोफिल एंड सेल वॉल, हु डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स। ओके जी नूर रीड द नेक्स्ट किंगडम फंजाई। चीज़ वो आपने मरियम को बोला था। मरियम की टर्न थी। मैं बट दूँ। उसके बाद आपकी टर्न कब थी? आपकी टर्न कब थी? यस। किंगडम प्लांटे में। प्लांटी में। ओके। जी मरियम रीड द नेक्स्ट किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉप्स व्हिच आर absorptive in their nutritional
mode, example mushrooms, most fungi are decomposers. They there is network problem with you. There is some network issue. आपकी आवाज ही नहीं मुझे आ रही. Anyone else read? No, बेटा आप read करो. टीचर में है. Kingdom fungi. It includes eukaryotic multicellular. पढ़ते जाओ हरी आप. It includes eukaryotic multicellular heterotrophs, which are absorptive in their nutritional mode. For example, mushrooms. Most fungi are decomposers. They live on organic material. Secretary. Fungi. It's a fungi, not fungi. Fungi. Okay. Fungi secretory digestive enzymes. Enzymes and absorb small organic molecules formed by the digestion by enzymes. Okay, fungi को बेटा clear कर लें. Fungi हम पहले भी देख चुके हैं. Kingdom fungi में अब क्या आ रहा है? इसमें अब आप देखो और advancement आ गई. Eukaryotic multicellular आ रहे हैं, not unicellular. Unicellular अब out हो गए हैं. अब बड़े वाले organisms आ जाएंगे जो कि multicellular होंगे. They have many cells. ठीक है, multicellular means many cells. और heterotrophs हैं, absorptive. उनकी जो nature क्या है, ये suck करते हैं food दूसरे organisms के साथ, चिपक जाते हैं और suck करते रहते हैं food. इनका जो एक basic feature है, they are decomposers. Decomposers is a very कह लें आप पिछली classes में बहुत अफाक सुन चुके होंगे मैं फिर भी, और मैंने I think आपको geography या history में भी, geography में शायद करवाया भी था decomposers. Decomposers are organisms who break down the other living organic material. ये जितने भी bacterias हैं और fungi हैं, ये soil में जाके करते क्या हैं? दूसरे organic materials होते हैं ना, जैसे कि dead bodies हैं, उनकी bodies को break down करते रहते हैं, ठीक है? और break down करके उनकी bodies के अंदर से जो organic material है, उसको निकालते रहते हैं. ठीक है, तो so they are very important in the ecosystem because they act as decomposers. और इस तरीके से soil के अंदर जो dead bodies हैं उनको decompose करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, break down करते रहते हैं, वो soil के अंदर बिल्कुल soil जैसी हो जाती है और soil की fertility को increase करते हैं by their decomposition property. ठीक है हाइका, can you repeat this? Decomposers, fungi are decomposers. What is meant by decomposers? Ma'am, they suck plants. मतलब ma'am वो मतलब attach होते हैं and they suck. ये तो इनका absorption आ गया ना, कि ये वो mode of nutrition आ गया. I am asking about decomposers. पीछे में है चलो about decomposers. Other than Maryam, no one can answer. Rasab, can you answer? Yes, decomposers are the organisms that do decompose the dead bodies which are under the mud. Yes. Just wait, Maryam. Haika, beta, आप मैं आपको बता, क्लियर हुआ है आपको कि क्या करते हैं डीकंपोजर्स? कैन यू रिपीट दिस? एक्सक्यूज मी मैम, आई वाज हैविंग सम इंटरनेट कनेक्शन सो आई कांट हियर योर वॉइस. इंटरनेट आपका सम टाइम स्लो हो जाता है ना. ओके, इट्स नो प्रॉब्लम, इन अ मिनट और टू इट विल बी सेटल्ड डाउन. जी मरियम बताइए. डीकंपोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स. डीकंपोजर्स जीशान, decomposers are the organisms that go inside the soil and break down the dead bodies of some organisms and take out the minerals from that organism. Okay, Zishan, और जी इसके करने से क्या फायदा होगा? जैसे मरियम ने कहा कि तमाम minerals वो निकाल लेते हैं उन bodies में से. टीचर, इनसे ये जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और टीचर हमारी सोइल फर्टाइल रहेगी. जी सोइल. जी जी बेटा बताइए.
decomposers are organisms that break down dead or decaying organisms. They carry out decomposition, a process possible by only certain kingdoms such as fungi. Oh, आपने तो पता नहीं बड़ी अच्छी डेफिनेशन कहीं से निकाली हुई थी जिशान. टीजर मैं बताऊं? It's okay. मैम, I think इसने फिजिक्स क्लास में ही नहीं नोट्स में से निकाली है. चलें जल्दी. टीजर मैं बताऊं? It's okay, हो गया. डिकम्पोजर्स मुझे क्लियर हो गया. आप सबको बहुत अच्छे से पता चल गया. जी अनिका, रीड द लास्ट सेकंड लास्ट किंगडम, प्लांटी. किंगडम प्लांटी. हरी अप, टाइम इज ओवर. हरी अप. It includes eukaryotic multicellular autotrophs. Plants are autotrophs in nutrient mode, making their own food by photosynthesis. They have multicellular sex organs and form embryos during their life cycles. Mosses, ferns, and flowering plants are included in this kingdom. Yes, students, अब आप देखो, algae में आपने जो जो देखी थी कि बातें नहीं हैं, वो सारी plantie में आ गई. You notice this? अब नोटिस करो, एलजी आर सिंपल प्लांट्स, बट दे आर नॉट सिंपल प्लांट्स. किंगडम प्लांटी आर कॉम्प्लेक्स प्लांट्स. दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स. इसके अलावा दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड दे फॉर्म एम्ब्रियोस. ये वही सारे पॉइंट्स हैं जो कि एलजी में नहीं थे, ठीक है. लेकिन अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्लांट्स हैं, सो दे हैव ऑल दीज कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर लाइफ. और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? दे आर मॉसेस, ferns. ये आपको पता कहाँ नजर आते हैं ज्यादातर? मॉसेस एंड ferns इन नॉर्दर्न एरियाज में बहुत मिलेंगे आपको. ये चीजें जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जितने भी बाहर आपको फ्लावरिंग प्लांट्स नजर आते हैं, जितने भी बड़े वाले ट्रीज नजर आते हैं आपको अपने गार्डन में, अपने लॉन में, दे आर ऑल रिलेटेड टू किंगडम प्लांटी. ठीक हो गया. चले जी रसभ, रीड द लास्ट वन, किंगडम एनिमेलिया. It includes eukaryotic, multicellular consumers. Animals live mostly by ingesting food and digesting it within specialized cavities. They lack servo and show movement. जी, अब चूंकि animals हैं, so they are the consumers, ठीक है? They are the consumers because they are animals. और आप देख लो, आप ना तो prokaryotic का आप कहीं word देख रहे हो यहाँ पे इन kingdoms में, ना आप कहीं unicellular का word देख रहे हो. They are eukaryotic multicellular. It means they are complex organisms. Students, आप इस बात को बहुत अच्छे से, मतलब आपको समझ आ रहा है ना कि अब prokaryotic की कोई term use नहीं होगी, unicellular की कोई term use नहीं होगी, eukaryotic use होगा और multicellular use होगा. इसके अलावा ये फूड खाते हैं, इंजेस्टन मींस ये खाते हैं फूड को थ्रू माउथ. और इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर सिस्टम्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड कैविटीज. कैविटीज होती है खाली जगह. आपका जो स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो आपके बैली के अंदर पड़ा हुआ है. तो बैली इज अ कैविटी, एक बंद कमरा, कमरे की तरह है ये. कैविटी इज अ क्लोज्ड रूम लाइक स्ट्रक्चर. तो उसके अंदर आपका डाइजेस्टिव, हमारा माउथ भी तो कैविटी ही होती है. माउथ इज ऑल्सो कैविटी, ओरल कैविटी बोलते हैं माउथ को. जहां पे आपको कोई स्पेस मिल जाएगी ना खाली, दैट इज नोन एज अ कैविटी. कान में भी होती है कैविटीज, आपके स्टमक में भी है, ठीक है. और बस इस तरीके से आपका किंगडम एनिमेलिया भी कंप्लीट हो गया. और एनिमल्स शो मूवमेंट, इट इज आल्सो फीचर ऑफ एनिमल दैट दे शो मूवमेंट. ओके, व्हाट इज टुडेस वर्क स्टूडेंट्स? यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर. All of you listening. Teacher, figure 3.5. Yes, you have to draw this figure and learn the full five kingdom system classification. Nothing else. Teacher, we will write it also. No need to write, students. No need to write. Teacher. Yes. Okay, teacher. Just draw this diagram. Okay. Yes, I can ask. Neat copy. ये important है. जी, neat copy. This is very important, Maria Noor. This is very important question. ये जो kingdom system classification है ना, 2, 3, and 5, इसमें से कोई ना कोई question आ जाता होता है paper में. Clear? ये जो five kingdoms अभी पढ़ी हैं, ये लिखनी भी है? No need to write anything. Yes, learn तो obviously बेटा, learn तो सब कुछ ही करना है.
मैं आपको कह दूं पूरी बुक ही आपने याद करनी है आहिस्ता आहिस्ता करके, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने पीछे वाली कर ली, पहले वाली कर ली। अच्छा वेरी गुड, इतना अभी तक पढ़ा है।